लगभग सभी महिलाएं प्रेगनेंसी में कम से कम एक बार ये पूछती हैं कि डॉक्टर, मेरे वजाइना से सफेद पानी जा रहा है, क्या ये नॉर्मल है? तो आज की हमारी चर्चा का विषय यही है कि कौन सा सफेद पानी नॉर्मल होता है, कौन सा वजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल और डेंजरस होता है, किसको इलाज की आवश्यकता है और किसको नहीं। मैं हूँ डॉक्टर नीरा भान, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन विद अराउंड 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी योनि मार्ग से थोड़ा सा वाइट क्लियर पानी जाना नॉर्मल है, जो कि एंड प्रेगनेंसी में थोड़ा चिपचिपा म्यूकस स्टिकी हो सकता है, जैसे कि जुकाम में नाक आता है। ये विजाइना का एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है, जो कि विजाइना को स्वच्छ रखता है, कीटाणुओं से रहित रखता है और बाहर के इन्फेक्शंस को अंदर प्रवेश करने से रुकता है। नॉर्मल डिस्चार्ज में न तो कोई स्मेल होती है, न इसके साथ कोई खिचड़ी या इरिटेशन होती है। इसका यूजुअली कोई रंग नहीं होता, ये क्लियर ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट होता है। एंड ऑफ प्रेगनेंसी में जब सर्विक्स खुलता है तो सर्विक्स का म्यूकस प्लग निकलता है और लेबर से कुछ दिन पहले ये थोड़ा सा ब्लड पिंच्ड हो सकता है, इसको शो बोलते हैं। कभी कभी विजाइना से बिल्कुल नलके के पानी जैसा क्लियर वाटरी बिना स्मेल का एक डिस्चार्ज निकल सकता है। कभी कभी तो जैसे एक बलून बर्स्ट हुआ हो उस तरह का होता है, और कभी कभी बूंद 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 निकल सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये कई बार लाइकर हो सकता है, यानी कि जिस पानी में हमारा बच्चा 9 महीने तैरता है, बच्चे को सराउंड करता है जो यूट्रस में, अगर ये वाला वाटर बैग ब्रेक हो जाए तो नीचे से संक्रमण असेंड करके हमारे बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है। बच्चा तो वही पानी पीता है, तो बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है, माँ को कोरियोमनियोनाइटिस यानी कि गंभीर रूप की इन्फेक्शन हो सकती है। अगर ये डिलीवरी डेट के पास हो तो ये नॉर्मल हो सकता है, इसके बाद लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, पर अगर समय से पहले हो जाए तो ये मदर एंड बेबी दोनों को खतरा दे सकता है। कभी कभी आपको नीचे खुजली हो सकती है और कॉटेज चीज टाइप का फटे दूध कर्ड की तरह का डिस्चार्ज आ सकता है और बहुत ही इरिटेशन बर्निंग हो सकती है, और ये होती है वजाइनल यीस्ट या थ्रश इन्फेक्शन। ये अच्छी नहीं होती और प्रेगनेंसी में बड़ी कॉमन होती है। इसका संपूर्ण रूप से इलाज किया जा सकता है। आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो आपको वजाइनल टैबलेट्स एंटीफंगल देंगी और ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है मुखी लेने वाली गोलियाँ भी दें। अगर आपको थिन डिस्चार्ज जा रहा है ग्रेश से रंग का और उसमें बहुत बुरी बदबू है, फिशी ओडर, तो ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकती है। ये गुड और बैड बैक्टीरिया का इम्बैलेंस जब हो जाता है उससे होती है, पर ये खतरनाक होती है। इसके साथ समय से पहले डिलीवरी के चांसेस होते हैं और कई बार वाटर बैग जल्दी बर्स्ट कर सकता है। प्रीमेच्योर बेबीज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ऐसा होने पे ज़रूर अपने डिस्चार्ज का पहले ही इलाज करवाएं ताकि आपकी प्रीटर्म लेबर हो ही ना। कभी कभी ग्रीनिश डिस्चार्ज थिन विद लॉट ऑफ इचिंग एंड समटाइम्स स्मेल हो सकता है, ये ट्राइकोमोनास क्लैमाइडिया इन्फेक्शंस हो सकती हैं, इनका भी टाइमली इलाज करवाना चाहिए। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता किसी भी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे। ब्लड कभी पिंक हो सकता है, कभी रेड हो सकता है, कभी ब्राउन होता है। अगर ब्लड ज़्यादा देर तक यूट्रस में या वजाइना में रहे तो उसका कलर ब्राउनिश मरूनिश सा हो सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी में अगर इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है तो ये कभी कभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, कभी कभी मिसकैरेज का संकेत हो सकता है, और ट्यूब में प्रेगनेंसी जो कि बड़ी डेंजरस होती है उसका भी संकेत हो सकता है। लेटर इन प्रेगनेंसी कई बार ये संकेत करता है कि प्लेसेंटा अपनी जगह से हिल रहा है, उधड़ रहा है, जो कि लो लाइंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया में भी हो सकता है और नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा में भी हो सकता है। यूजुअली अल्ट्रासाउंड और कुछ जांचों की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी थिन येलोइश यूरिन की तरह का स्मेल करता हुआ डिस्चार्ज भी आ सकता है।
अगर ऐसा लगता है तो डॉक्टर से मिले, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शंस भी प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉमन है और कई बार नीचे के पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस से भी इस तरह का डिस्चार्ज खांसने छींकने पे आ सकता है। इसके लिए अगर यूटीआई है तो पूरी तरीके से इलाज करना चाहिए। अगर वीकनेस ऑफ मसल्स हैं तो कीगल्स एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा। अगर यस तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर टू गाइनी पीडिया एंड वील सी यू सून विद अनदर वीडियो।